ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम गुजरात में गए, एक एनआरआई भाई जो विदेश से भारत लौटा था भारतीय, बड़ा धन संपत्ति कमा करके आया। उसने आप बीती एक घटना मुझे सुनाई और मुझे भी उस दिन लगा कि वास्तव में हमारे जीवन में पुण्यों पर दुआओं का कितना भारी महत्व है। उसने कहा, बहन जी, मैंने इतनी धन दौलत कमाई, कुछ ऐसे कमाई, कुछ वैसे कमाई। अब ऐसे कमाई वो तो ठीक है, लेकिन जो वैसे कमाई वो कैसे जाएगी? एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब हम अपने घर में धन लेकर आते तो केवल धन नहीं लेकर आते, दो चीजें साथ में लाते हैं। किसी की हाय भी लाते हैं, किसी की बददुआएं भी लाते हैं, तो किसी की दुआएं भी लाते हैं। मेरे घर में धन के साथ किसी की बददुआएं भी मेरे घर में प्रवेश हो जाती है और किसी की दुआएं भी। तो धन के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, बददुआ नहीं। मैं अपना हक का खाऊं, अपने अधिकार का खाऊं, दूसरे का हक छीन कर, अपने पद पोजीशन का भय दिखाकर, दूसरों के मुख का नेवाला छीन कर मैं अपने बच्चों को खिलाऊं, तो मेरे बच्चे भी कौन सी राह पर चलेंगे जो मैं सुनना भी पसंद नहीं कर सकती। इसीलिए कर्मों पर आज से हमें विशेष ध्यान देना है। मैं ईमानदारी की खाऊं, दो के बजाय एक खाऊं, महलों की बजाय भले झोपड़ी में रहूं, पर ईमानदारी की राह पर चलूं, ईमानदारी ना छोड़ूं अपने जीवन में।